उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। इसके चलते हितग्राहियों के लिए अब यह योजना मुसीबत बनती जा रही है। हापुड़ जिले में सरावा गांव के सैकड़ों हितग्राही पात्र हैं। इन हितग्राहियों का वर्षों से आर्थिक जाति जनगणना सूची में नाम होते हुए भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा पिछले 2 सालों से ये योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। प्रदेश के हितग्राही पंचायत मुखिया समेत जिले के सभी आला अधिकारियों से फरियाद की जा चुकी है, इसके बावजूद इस ओर कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीब तबके के लोगों को पक्का आवास देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। गरीब परिवारों को पंचायत द्वारा पक्का आवास बनाकर दिया जाता है, लेकिन हापुड़ जिले में यह योजना शासकीय लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। इसका खामियाजा दर्जन भर सरावा गाँव के ही ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। घर नहीं है, किराए के घर में रहती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है हमारे। नाम है आपका? कफील अहमद। कौन से गांव के निवासी हैं आप? गांव सरावा, जिला हापुड़। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या एक तो मेरा निवास नहीं बनवाने को तैयार, हर ऑफिस में जाकर धक्के खा के परेशान होकर बैठ जाता हूँ, और जिसमें भी जाता हूँ सब ये कह देते हैं कि ये बनने के पात्र नहीं है, अपात्र है, अपात्र है। मैं सरकार मोदी से ये पूछना चाहता हूँ, सरकार योगी जी से और मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार गरीबी हटा रहे हो या गरीबों को हटा रहे हो? अगर आप गरीबों को हटा रहे हो तो फिर शहर के क्यों नहीं हटा रहे? अगर गरीबी हटा रहे हो तो गरीब गाँव की क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि गरीब आदमी मजदूर, सबसे मजदूर आदमी जो होता है वो गाँव में होता है, और उसका काम एक दिन लगता है और एक दिन नहीं लगता है, परेशान तो वो होता है। मालदारों में तो कारोबार चलता है, लाखों का कारोबार चलता है लोगों का, मजदूर आदमी वहां जाकर काम करके जब अपने बच्चों को पालता है। मेरे 3 लड़के हैं, एक लड़का है, सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब बच्चों की परवरिश करूं, जो सरकार देश का भविष्य बनाती है, क्या एक मेरा भविष्य नहीं बना सकती, या इस गाँव का भविष्य नहीं बना सकती? क्या सरकार को वोट नहीं मिलता क्या इस गाँव से? अगर या तो सरकार ये कह दे कि इस गांव से वोट नहीं मिलता, अगर वोट मिलता है तो इस गांव का भविष्य क्यों नहीं बनता? सरकार पूरे हिंदुस्तान का, पूरे पूरे क्षेत्र का, पूरे भारत का भविष्य सुधारती है। इसकी शिकायत आपने किस किस अधिकारी से की? मैंने अधिकारी ब्लॉक, जिला अधिकारी, वीडियो, नगरपालिका, लखनऊ, योगी जी सीएम, योगी जी के दरबार में भी गया, ये लेकर मैं शिकायत लेकर, कोई ऐसा ऑफिस नहीं छोड़ा जहां मैंने शिकायत नहीं करी हो। प्रधान जी से भी बोले? प्रधान जी से भी बोले, प्रधान जी भी कहते हैं जी मैं क्या कर सकता हूं, इसमें योजना ही नहीं आ रही है।